अर्जुन कपूर ने चुराए सलमान खान की रिलीजिंग, कौन कौन सी मूवी उसी दिन आपस में टक्कर करने आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अवैना सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक विलन रिटर्न मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा। बॉलीवुड में शायद ही कोई होगा जो सलमान खान से पंगा लेने की हिम्मत करेगा। जिसने भी सलमान खान से पंगा लिया उसका करियर खत्म ही समझो। एग्जाम्पल के तौर पर विवेक ओबराय को ही ले लीजिएगा। सलमान की गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या के साथ 4 दिन क्या खून लिया, उनका पूरा करियर ही चौपट हो गया। ये सब देखने के बाद तो शायद ही सलमान की घर की बहू बेटियों पर नजर डालने की कोई हिम्मत कोई अपने सपने में भी ना कर सकता है। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा भी एक्टर है जिसने ना केवल सलमान खान की बहन के साथ अफेयर रखा बल्कि उनकी भाभी के साथ भी इश्क लहराया। आप सभी तो इन सब बातों से समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं बोनी कपूर के सुपुत्र अर्जुन कपूर की। अर्जुन कपूर और सलमान खान की बहन अर्पिता खान का रिश्ता किसी से छुपा हुआ नहीं है। दोनों लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहे लेकिन बाद में अर्पिता ने उनसे ब्रेकअप कर दिया। इन सब के बावजूद सलमान खान ने अर्जुन को सपोर्ट किया। वो सलमान ही है जिन्होंने अर्जुन को एहसास दिलाया कि वो एक अच्छे एक्टर बन सकते हैं। जिसके बाद अर्जुन ने खुद को बदला और आज वो बॉलीवुड के जाना माना एक्टर है। लेकिन अब इतना फेम पाने के बाद अर्जुन कपूर कभी सलमान की बहन कभी भाभी तो और अब उनकी रिलीज डेट को भी चुरा ली है। जी हाँ दर्शकों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम आपको इसकी कहानी भी बड़े विस्तार से बताते हैं। साल 2014 में रिलीज की रितेश देशमुख, श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की मूवी एक विलन को लोगों ने खासा पसंद किया था। मूवी का डायरेक्शन मोहित सूरी ने किया था। लोग तभी से मूवी के सीक्वल का इंतजार कर रहे थे। मूवी के सीक्वल की यानी कि एक विलन रिटर्न से जुड़ी कई खबरें आ चुकी हैं। मूवी काफी पहले बनकर तैयार भी हो चुकी है और बहुत पहले रिलीज भी हो जाती लेकिन कोरोना की वजह से कई बार आगे खिसका दी गई इसकी रिलीज। सितंबर के लास्ट वीक में मेकर्स ने मूवी की नई रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम ने सलमान खान की रिलीज डेट चुरा ली है। एक विलन 2 अगले साल जुलाई के महीने में 8 तारीख यानी कि ईद के मौके पर रिलीज होगी। इस मूवी में अर्जुन कपूर, तारा सुतारिया, जॉन अब्राहम और दिशा पाटनी नजर आने वाली है। ये सभी लोग मुख्य किरदारों में होंगे। इस मूवी का प्रोडक्शन भूषण कुमार और एकता कपूर ने किया है। मूवी की नई रिलीज से शेयर करते हुए अर्जुन कपूर ने लिखा, इस बार ईद विलन डे का तारीख आप याद रखना। इससे पहले ईद के दिन सलमान खान की फिल्में ही रिलीज होती रही है लेकिन इस बार मोहित सूरी ने रिस्क लेते हुए ईद के दिन एक विलन 2 रिलीज करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि पहले टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की मूवी हीरो बनती 6 मई के दिन रिलीज होनी थी लेकिन बाद में दोनों फिल्मों को मेकर्स ने आपसी सहमति के चलते हीरो बनती 2 की रिलीज डेट बदलते हुए 29 अप्रैल कर दी। वही एक विलन 2 उसके 1 हफ्ते बाद यानी 8 मई को रिलीज होगी। वैसे आप एक विलन रिटर्न्स के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।